इतना अरसा हो गया तुम्हें कोई सजा नहीं दी। सच बताओ। I missed it too. अब वो दिन नहीं रहे जाहिर, मैं वो पुरानी कमजोर ईशल नहीं रही। साहिर भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कुछ कह रहा है? ये डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, इनका मतलब सिर्फ फीस से होता है। साहिर साहिर जल्दी मुंह खोले, नाश्ता खत्म करें। ये कैसे बात कर रही हैं आप इनसे? शौहर हैं ये आपके और तुम इनकी मेहमान हो, बेहतर होगा हमारे मामला पे ना बोलो। मैं इंसानियत के नाते कह रही थी, आप जानती नहीं इनकी मेंटल कंडीशन क्या है। तुम्हारा मसला क्या है कुमार? एक तो बिन बुलाए तुम इस घर में आ गई हो और ऊपर से इस तरह बात कर रही हो मुझसे। हक है ये मेरा, अगर ये आपके शौहर है तो मेरे भी बहनोई है। और मुझे बार बार यूं ताने मत दिया करें आप। अगर साहिर भाई ठीक होते तो मैं यहाँ रुकने कभी भी ना आती, मुझे फिक्र है इनकी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ख्याल नहीं रखती हूँ इनका या फिर इन्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है ऐसे इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल काम है। मैं वही सोचती हूँ कि साहिब भाई पता नहीं कैसे रह लेते हैं आपके साथ। साहिब क्या कर रहे हैं आप? ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं उनसे? आपको जरा भी लिहाज नहीं है साहिब भाई। तुम्हें है ना लिहाज, तो लो तुम ही करो लिहाज भी, रिस्पेक्ट भी और केयर भी। बढ़िया, इस साहिब भाई का ख्याल रखने वाली। बात बनी? नहीं आप, समित को शायद अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ। तुम कोशिश करती रहो, दिल का तो अच्छा है, I'm sure तुम्हें बता देगा। साहिर नहीं चाहता कि तुम दोनों इस घर में रहो, लेकिन मैं प्लान फॉलो कर रही हूँ। तुम्हें बस साहिर का हमदर्द बन के रहना होगा और मैं तुम्हारे खिलाफ ही रहूंगी। ठीक है आप। कोमल, कल रात मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया था? नहीं आपी, अब जो भी कहेंगी मुझे बुरा नहीं लगेगा। कोमल, हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए मुश्किलात ज्यादा हो जाए, लेकिन तुमने हार नहीं मान ली है। साहिब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी नहीं जानता वो क्या करेगा, और मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा रूड होना पड़ेगा, पहले से भी ज्यादा। आप फिक्र मत करें आपी, दुख तो बांटने से ही कम होता है ना, और वैसे भी आपने इस घर में क्या क्या मुश्किलात नहीं देखी। मैं थोड़े से दुख बांट के शायद उनका दर्द ही कम कर दूं। अल्लाह ना करे कभी तुम इन हालात से गुजरो। आपी अब आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे आपकी डांट भी अब बुरी नहीं लगती। क्या हुआ है कोमल? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है आपी, सारा कसूर साहिर भाई का था। मैं खुद को माफी नहीं कर पा रही। और तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? काश अम्मी और बाबा जिंदा होते, सब कुछ बता देती। मैं भी यही चाहती थी कोमल, लेकिन उनकी जिंदगी कम पड़ गई। कोमल, हमें किसी भी तरह साहिर को गिरफ्तार करवाना और ये साबित करना है कि वो पागल नहीं है, हमारे माँ बाप का कातिल है। बस एक बार ये साबित हो जाए फिर हम इस घर में नहीं रहेंगे।
सरमत के साथ खेलोगे? मेरा मूड नहीं है। सरमत खेलो ना, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए खेलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं खेलूं। कहा ना मूड नहीं है, तुम अकेले खेलो। प्लीज सरमत, थोड़ा सा यार। बस, enough. वरना क्या करूं? धमकी दोगे? जिस तरह कुर्बान भाई को दी थी, अपनी जुबान खोली तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, कि जिंदगी भर याद रखोगे। तो खेलोगे ना मेरे से? तुम्हारी दोनों बहनों का ससुराल का पता मालूम है मुझे, अब भूलना। समझ गए हो या फिर से समझाओ? चलो चलो, आ जाओ खेलते, आ जाओ आ जाओ। कोमल, कोमल मैं मगर कोई अपना साथ हो तब, कोई ऐसा अपना जिसके हाथ थाम के एक नए जहान का तसव्वुर किया जा सके, उसके साथ दूर कहीं वादियों में गुम हुआ जा सके, जहां सिवाय मोहब्बत के और कुछ ना हो। भी सोचा ना था हमारे बीच इतनी दूरी आ जाएंगी। मैं अपने नसीब से गिला नहीं कर सकती, शादी का फैसला मेरा था। नहीं, मुझे इन यादों को अपने दिल से निकालना होगा। सलमत के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। अब मेरी जिंदगी में उनके सिवा किसी और की जगह नहीं। मुझे माफ करना शहरयार, गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी। शायद किस्मत में ही ये लिखा था। कोमल की तरफ बढ़ते कदमों को रोकना होगा मुझे, अब वो किसी और की मोहब्बत है, मेरी नहीं। कोमल से दूर रहना है और ईश्वर की मदद भी करनी है। चाहते हुए भी घर नहीं छोड़ सकता, ईश्वर से वादा किया है मैंने। आपे एटलीस्ट मुझे तो बताया होता कि शहरयार भी यहाँ मौजूद है। कोमल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहती थी कि तुम शहरयार से दूर रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपने मुझे नहीं बताया, दैट्स फाइन। मगर शहरयार? हाँ शहरयार कोमल, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स थी उसके लिए। तुम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। मुझे उस शख्स से अब कोई कर्ज नहीं, नफरत करती हूँ मैं उससे। और वैसे भी वो साहिर के लिए काम करता है, हमें कभी भी धोखा दे सकता है। काम करता है नहीं, काम करता था कोमल, और साहिर ने शहरयार को इस्तेमाल किया। शहरयार ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, लेकिन अब वो हमारी मदद करना चाहता है।
हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप और मैं मिलके लड़ सकते हैं। कोमल, लड़ने को तो मैं अकेली भी लड़ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें जितनी भी मदद मिले वो कम है, और जरूरी नहीं है कि हम साहिर के बारे में सबको जानते हैं। और इस वक्त मुझे हर उस शख्स की मदद की जरूरत है जिसका ताल्लुक किसी न किसी सूरत साहिर के साथ रहा। ट्रस्ट मी कोमल। ठीक है, कहाँ जा रही हो तैयार होके? थाने जा रही हूँ, केस दोबारा खोलना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे माँ बाप का कत्ल नहीं किया, किसी ने तो किया है, केस का दोबारा खोलना जरूरी है। वैसे भी साहिब मुझे आप पे शक है, फैसला कानून को छोड़ देते। मैंने तुम्हें यकीन तो दिला दिया था। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, तो मुझे ओके। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि आपने मेरे माँ बाप का कत्ल नहीं किया। हो सकता है आप ठीक हो साहिर, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्यों ना फैसला किसी तीसरे को छोड़ दूँ। मैडम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप एक ज़हनी मरीज पर कैसे केस कर सकती हैं? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सचो साहब, यहाँ पे उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। आप इस साहिर तो पागल होने का नाटक कर रहे हैं ताकि वो इस केस से बच सके। मैडम, कानून सबूत और गवाह को मानता है, तसव्वुराती ख्यालात को नहीं। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि साहिर नाटक कर रहे, फिर तो आप गिरफ्तार करेंगे ना उसे, या फिर से मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो पहले किया। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज। समझ, मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी और आप यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तुमसे मतलब? आप मेरे शौहर हैं सरमत, आपसे मतलब नहीं रखूंगी तो और किससे रखूंगी? सरमत, आपको ईशलापी की कभी याद आई? मैं जानती हूँ सरमत, आप यही सोचते होंगे कि जिस तरह हमारी शादी हुई है उसी तरह सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है सरमत। मुझे मालूम है कि हमारी शादी बहुत ही अजीब हालत में हुई है, मगर मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा यकीन करें सरमत, मैं आपके निकाह में हूँ सरमत, और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मुझे एक बात सच सच बतानी होगी, आप यहाँ से क्यों चले गए थे सरमत? क्या इस सब के पीछे साहिर भाई का हाथ था ना? बताएं सरमत। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रहा हूँ, मुझे देखो जाएगी। सरमत,
वेलकम बैक। दरवाजा खुला रखो। क्यों, किसी ने आना है क्या? तुम केस खुलवाने गई थी, मैंने सोचा शायद पीछे पुलिस आ रही होगी, मुझे गिरफ्तार कर ले। अगर हंस लिया तो बता दो केस फिर से खुला। जवाब नहीं देना तो इशारों में समझा दो। फिक्र मत करो, परेशान मत, हमारे मुल्क का कानून मिसाली, चंद ही दिनों में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। एंड देन आई विल बी हैंग्ड। ऐसा ही होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, किसी से सिफारिश कर देता हूँ, बहुत मानते हैं मेरी बात। मैं जो भी करूँगा खुद करूँगा। अगर ना कर सकी तो? मर जाऊंगी लेकिन करके देखूंगी। शरियार, शहरयार यहाँ क्या कर रहे हैं? इसी को फौरन यहां से चला जाए वरना मैं इसे... वरना क्या, इसे भी मरवा देंगे। मुझे आपसे अपनी जान का खतरा है इसलिए बुलाया इसे यहां। घबरा रहे हैं आप, डर लग रहा है मुझसे, या फिर अपने अंजाम के बारे में सोच के खौफदारी हो रहा है? घबराहट, डर, खौफ, इसी के साए तले पड़ा हूं मैं।